नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से किट्टू बावर्ची यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाएंगे बैंगन मसाला। बैंगन मसाला तो लगभग सभी ने बनाया ही होगा और अपने अपने तरीके से लोग बनाते भी हैं। क्या आपने इस तरीके से बैंगन मसाला कभी बनाया है दही के साथ? अगर आपने बनाया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर नहीं बनाया है तो एक बार बना के देखें। और आपके पास जो भी रेसिपी है बैंगन मसाला की, वो मेरे साथ शेयर करें ज़रूर। इसके लिए मैंने ये बैंगन ले लिया है मीडियम साइज़ वाला, और इसको ऐसे बड़े बड़े चंक्स में मैं काट लेता हूँ। एक बैंगन से कुल 8 पीस निकाल रहा हूँ मैं, थोड़े बड़े बड़े। ये देखिए, इस तरीके से हमने काट के तैयार कर लिया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बैंगन को करेंगे फ्राई। मैं सेलो फ्राई कर रहा हूँ, अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने गर्म तेल में ये बैंगन डाल दिए हैं और इसको हल्का सा कुक करेंगे। ये दो से तीन मिनट में कुक हो जाएगा बैंगन मीडियम फ्लेम पे। सारे बैंगन को एक एक करके इसमें डाल देते हैं और दो से तीन मिनट एक तरफ पकाने के बाद इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी एक से दो मिनट के लिए इसको पका लेंगे हम। इस रेसिपी में मैं आपको दिखाऊंगा कि दही के मसाले के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, और इसका टेस्ट तो वैसे भी लाजवाब होने वाला है। ये जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये सारे बैंगन को हम पलट लेते हैं एक एक करके और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, बस ये बैंगन 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये सारे निकाल के अलग कर लेते हैं। अब उसी बचे हुए तेल में हम ये थोड़े से गरम मसाले, खड़े वाले, जिसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है, जीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, इन सबको थोड़ा सा भून लेते हैं 30 से 40 सेकेंड के लिए। जैसे ही कलर चेंज होने लगेगा बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं इसमें और प्याज को अच्छे से भूनते हैं। साथ ही इसमें हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ ही ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है, इसकी कच्ची स्मेल भी निकल जाएगी और साथ ही प्याज जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा। और इसके बाद हम इसमें ये बारीक कटा हुआ एक टमाटर डाल देते हैं। इस टमाटर को भी अच्छे से हमें पकाना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप टमाटर डालें इसके साथ ही डालें नमक। इससे क्या होता है, थोड़ा टमाटर जल्दी से गल जाता है। और मैं इसमें मसाले भी इसी टाइम पर डालूँगा, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें आएगा थोड़ा सा ये गरम मसाले का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं और मसाले को ऐसे ही 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए हम थोड़ा सा भूनेंगे, जिससे मसाला फट से पक जाएगा। इसको लगातार चलाते रहें 1 से 1.5 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये दही, फटा हुआ दही है। और जैसे ही आप दही डालें, या तो गैस बंद कर दें या फ्लेम एकदम स्लो कर लें और लगातार दही को चलाते रहें जब तक दही में एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये दही फट जाएगी और ग्रेवी का जो भी टेक्सचर है वो सब बिगड़ जाएगा। ये देखिए, ये दही भी आ गया है उबाल। इसको हम अच्छे से अब पका लेते हैं बढ़िया। जब तेल अलग होने लगेगा तब तक हमें इस मसाले को पकाना है। अभी देखिए बुलबुले उठने लगे हैं छोटे छोटे और इनमें से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी आवश्यकता के अनुसार, और इसको थोड़ा सा स्टर कर देते हैं और इंतज़ार करेंगे कि एक बॉयल आ जाए इसमें। जब ये करी खौलने लगेगी उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। साथ ही इसमें से जो भी खड़े वाले गर्म मसाले हमने डाले थे उन सबको हम निकाल लेंगे, ये बेवजह मुँह में आएंगे और सारा स्वाद ख़राब करेंगे, इसलिए हम सबको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए अच्छा सा इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, देते हैं इसमें हमें अच्छा सा स्टर। और ये देखिए ग्रेवी में जब जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपना ये फ्राई किया हुआ बैंगन। इसको ज़्यादा स्टर नहीं करना है बैंगन डालने के बाद, वरना बैंगन का बन जाएगा भरता। हमें भरता बनाना नहीं है, हमें इसको ऐसे ही रखना है पीसेस में। तो
हल्का सा इसको बस ग्रेवी में डुबा कर दें और इसको मिक्स कर दें और 5 मिनट पकाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। और अंतिम में इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। आप एक बार बनाएं।